गाया उधर जा रही और हमें जाना है इधर। अभी रुक गए सब, तो अभी हम आगे जाएंगे, जब तक ऐसे ही रुक के रहेंगे। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते होंगे, अभी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाई थी कि बारिश का मौसम है, 3 दिन हो गए ऐसा ही मौसम है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं सब तरफ बादल ही छाए हुए हैं। और ये आप देख सकते होंगे, ये यहाँ पर गेहूं था जो कि हार्वेस्टर मशीन आता है उसे निकाला गया है, क्योंकि बरसात का मौसम हो चुका था, तो इसलिए किसान भाई ने हार्वेस्टर मशीन से निकाल दिया उस ये गेहूं को। तो आप देख सकते हैं, तो एक तरह से वो मशीन अच्छा भी आता है और एक तरफ से नहीं भी, क्योंकि गायों के लिए अगर काट के मजूर से जमा किया होता हो गेहूं, तो उसका जो कुटार आता है वो कोई भी ले सकता था गायों के लिए, भैंसों के लिए। और ये मशीन से जो निकाला जाता है तो ये वेस्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें अगर गाया चराए तो 2-3 दिन तक गाया चर सकती है। तो मैं एक किसान भाई को पूछने के लिए ही आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बारिश चल जाने दो, बाद में लाना गाया, क्योंकि खेत कड़क हो जाता है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं गाया में, तो चलो फिर चलते हैं वापस गाया में। ओ हाय, ओ हाय, हाय। गाया तो आ जाती जल्दी से एक ही आवाज में, लेकिन भैंसों को टाइम लगता है। तो भी हम आ चुके हैं, तो उस किसान भाई ने तो नहीं चरने दिया, लेकिन इस किसान भाई ने बोला कि आप गाया लेके आओ। तो अभी हम यहाँ पर गाया लेके आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बाजरा है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी गाया को हम पानी पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज बिजली नहीं है, तो इस वजह से हम जो यहाँ पर छोटा सा तालाब है वहाँ पे गाया को पानी पिलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो अभी हम घर पे आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं अभी हमने चारा डाल दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमने चारा डाल दिया है गाया को और भैंसों को। Yeah.
करी को पूरा तो दोस्तों मिल्किंग हो चुकी है अभी ख़त्म, तो हम आपको पूरी मिल्किंग तो दिखा नहीं पाए क्योंकि दोस्तों मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था वहाँ पर, तो इस वजह से छोटे बच्चे थे लेकिन उनको मोबाइल पकड़ते नहीं आता, इस वजह से हम आपको पूरी मिल्किंग नहीं बता सकते। तो अभी करीब करीब शाम के 6:30 बज चुके हैं, आप देख सकते अभी गाय चारा खा रहे है। आज का तो उनका काम हो चुका है दोस्तों, क्योंकि हमने आज ज़्यादा चारा डाल दिया हुआ है। तो दोस्तों ये ब्लॉग करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों एक बात और, जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।